जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CITS के जो एडमिशन में बैच 2022 वाले बच्चे हैं, उन्हें CITS के सेशन में क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ताकि उनके मार्क्स अच्छे हैं। आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा पढ़ाई का प्रोसेस बताएंगे, किस तरीके से आपके सेशन में पढ़ाई होने वाली है और आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप 98% 96% इस तरीके से मार्क्स आप CITS में स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करके दिखाना है और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, प्रॉपर पूरा हम बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम भी अपने चैनल पर आपको हेल्प करते रहेंगे बीच बीच में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं आपको CITS के सेशन में आपको करना है, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों का फाइनल एडमिशन हो चुका है, ठीक है, उन बच्चों का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जिन बच्चों का अभी काउंसलिंग चल रहा है मॉकअप राउंड की, उसके बाद में आपका वॉकिंग एडमिशन होगा, उन बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कराते, बस नॉर्मली चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या क्या आपको पढ़ना रहता है, देखिए आपको एक ट्रेड थ्योरी रहती है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी रहती है जो आपकी 100 मार्क्स की होती है। उसके अलावा आपको ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल होता है जो कि आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, और एक आपका POT होता है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और उसके बाद POT का प्रैक्टिकल होते हैं दो प्रैक्टिकल। POT में दो प्रैक्टिकल होते हैं, एक आपका होता है लेसन प्लान, एक होता है डेमोंस्ट्रेशन प्लान। ये लेसन प्लान 200 मार्क्स का होता है और डेमोंस्ट्रेशन प्लान भी आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें मैथ WSC यानी कि व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस आपकी 50 मार्क्स की होती है, और इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी 50 मार्क्स की होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ पेपर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं पहले से ही, आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए किस तरीके का पेपर आता है, एक आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है, इसमें आपको क्या कहाँ से पढ़ना है। देखिए सबसे पहला CITS कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आपको भारत स्किल को, आपको जो भारत स्किल है वेबसाइट उस पर आपको जाना है। चलिए हम जाते हैं भारत स्किल पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भारत स्किल पर जाएंगे, भारत स्किल को लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे आप CITS वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा, नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन एंड बैडमैन देख रहे हैं, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको सभी चीज़ों के मटेरियल मिल जाएगा, POT आपका प्रोजेक्ट क्या फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से आपके इंग्लिश में और हिंदी में सभी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेसन प्लान का फॉर्मेट। और उसके अलावा नीचे आप आएंगे डेमोंस्ट्रेशन प्लान का फॉर्मेट, इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किरचॉफ लॉ फॉर डेमोंस्ट्रेशन प्लान भी मिल जाएगा आपको बना हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद स्टडी मटेरियल की बात करें हम, यहीं से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट देने के लिए मिल जाएंगे और सर्कुलर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी भारत स्किल पर, यहीं से आपको देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। जैसे यहाँ की हम बात करें क्वेश्चन बैंक की, ये जितने भी क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं ना, ये आपको एक एक क्वेश्चन बैंक पूरा रटा हुआ होना चाहिए। अभी अपडेट होंगे, एक दो और अपडेट होगा, बाकी हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपको POT की, ठीक है, POT के MCQ क्वेश्चंस कराएंगे एक टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके अलावा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन कराएंगे और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वीडियोस बनाएंगे और POTO की कुछ टॉपिक्स की वीडियो आपके लिए आएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प होगी आपके मेन एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये सब चीज़ आपको कर लेना है। और सबसे मेन बात यह है, देखिए आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बैंक दिख रहे हैं आपको सभी चीज़ें रख लेना। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने DRDO में फॉर्म तो अप्लाई कर ही दिया होगा, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था
DRDO में आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जो कि आपकी वैकेंसी आई हुई है। ITI वाले बच्चों के लिए 900 प्लस वैकेंसी है जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है? प्रैक्टिकल में, क्योंकि आप देखिए थ्योरिकल पार्ट कितना सा होता है, 100 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे, ठीक है, जिसमें आप 98 आराम से ले आएंगे, ठीक है, और उसके अलावा 100 POT के होंगे जिसमें आपको मुश्किल रहती है, लेकिन आप पढ़ेंगे तब आपके भी 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद आपकी इंजीनियर रैंक होती है और मैथ होता है, 100 मार्क्स इंजीनियर रैंक और मैथ के हो गए, ठीक है। ये 300 मार्क्स होते हैं आपके थ्योरिकल, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपसे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपके डेमोंस्ट्रेशन प्लान प्रैक्टिकल और आपके लेसन प्लान के 600 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 600 नंबर। इन 600 नंबर पर मेहनत सबसे ज़्यादा करनी है आपको, क्योंकि CITS करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास डेमोंस्ट्रेशन प्लान किए होंगे, उसके अलावा आपने लेसन प्लान किए होंगे, तो आपको जब आप पढ़ाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ाने की। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्रैक्टिकल, एक भी प्रैक्टिकल आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी टेट के हैं आप, आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना, सारे प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि अगर DRDO में आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका एक होता है प्रैक्टिकल वाला सेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो एक बटे एक गुणा आठ बच्चे को बुलाएंगे, एक सीट पर 8 बच्चों को बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल देने के लिए, तब आप चूके नहीं, क्योंकि CITS जो इस समय कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल और डेमोंस्ट्रेशन और लेसन प्लान पर आपको बहुत देना है। लेसन प्लान की और डेमोंस्ट्रेशन प्लान की जो वीडियो है हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से बनाते हैं लेसन प्लान डेमोंस्ट्रेशन प्लान। उसके अलावा और लेसन प्लान डेमोंस्ट्रेशन प्लान चाहिए आप टॉपिक भेज सकते हैं, हम उसकी भी वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। उसके अलावा क्या CITS में आपको क्या ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमसे आप चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है कि आपको इतनी सारी हेल्प करने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपके CITS से रिलेटेड, जो आपका हेल्प के लिए तैयार है। तो आपको सबसे बेहतर काम करना है, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, अपने प्रैक्टिकल पूरे की पूरे तैयार होने, थ्योरी अपने आप तैयार हो जाएगी, प्रैक्टिकल पे आपको ध्यान देना है। और आप सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों का CITS में एडमिशन हो गया उन सबके लिए ढेरों बधाई, और आप अच्छे से जाइए अपना प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक साल का समय होता है आपके पास और करीब 270 के सब प्लस में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो आपको टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है CITS के अंदर, तो आपको 270 प्रैक्टिकल करने होते हैं। एक दिन में 2 करेंगे तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में आप 2 करना है। और आपके लिए जॉब शीट पहले बना लेना है प्रैक्टिकल की, जॉब शीट किस तरीके से बनाते हैं वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जॉब शीट बनाएंगे। तो आपको ये प्रोसेस कर लेना है, और नोटबुक अच्छे से बनाना है प्रैक्टिकल की, ठीक है, सारी रीडिंग डाटा अच्छे से लेना है, ठीक है, नोट करके रखना है अपनी सारी नोटबुक में, ताकि आपको आने वाले जब आप ITI के अंदर प्रैक्टिकल कराएंगे, तो ITI में मैक्सिमम प्राइवेट ITI की बात करूँ मैं, तो मशीन्स वगैरह ज़्यादातर ठीक नहीं रहती, तो आपको वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेना, और वीडियो को अपने जो भी दोस्त आपके CITS कर रहे हैं उन सभी में शेयर कर देना है, ठीक है। हम वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।